भारतीय विद्यार्थियों को जिस एक विषय से सबसे अधिक भय होता है उसका नाम है गणित। गणित या मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसकी कक्षाओं में हम में से कई लोगों ने बचपन में मार नहीं तो डांट तो खाई ही है। हालांकि बच्चों को सजा देने का चलन तो अब समाप्त होने को है, लेकिन बच्चों में गणित का डर आज भी विद्यमान है। ऐसे में क्या कोई तरीका है जिससे हम मैथ्स के इस डर को समाप्त कर सकते हैं? अवश्य है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में इसका समाधान है। हम बात कर रहे हैं वैदिक गणित की। इसकी विशेषता यह है कि वैदिक गणित बड़े से बड़े जोड़ घटाना गुणा भाग को सरल समीकरण के रूप में बदल देती है। जानेंगे वैदिक गणित के बारे में विस्तार से TFI के इस वीडियो में मेरे यानी अनिमेश पांडे के साथ। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में गुजरात में शिक्षा को पूरी तरह से बदलने और एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने अगले वर्ष से शिक्षा की दिशा में वैदिक मैथमेटिक्स को एक विषय के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने इसकी घोषणा भारत के महागणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस यानी राष्ट्रीय गणित दिवस पर की। आइए सबसे पहले जानते हैं वैदिक गणित के उद्भव के बारे में। वैदिक गणित एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो अंक गणितीय संक्रियाओं को 16 सूत्रों में एकीकृत करके गणित को सरल बनाती है, अर्थात सूत्रों के माध्यम से गणितीय गणनाओं को सरल बनाया जाता है। इन 16 सूत्रों का संकलन जगत गुरु स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज द्वारा 1965 में संकलित एक किताब में बताया गया था। उन्होंने सूत्र अथर्ववेद के परिशिष्ट से संकलित किए थे। यह 16 सूत्र गणितीय गणना में कई चरणों को हटाकर सीधा परिणाम तक पहुंचा सकते हैं। यदि कोई सवाल पूछे या उसे 7 चरणों में पूरा करना है तो इन सूत्रों की सहायता से उसे 7 से 2-3 चरणों में ही पूरा किया जा सकता है। हम सभी ने अपने विद्यार्थी जीवन में गणित के प्रोसेस को लंबा करने में काफी समय बिताया है। आज भी बच्चों को 4-5 अंकों का गुणा देने में उसमें त्रुटि हो सकती है। बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी गणित की गणनाओं को देखकर डर जाते हैं। अब उदाहरण के लिए यदि आपको 93 और 97 का गुणा करने को कहा जाए तो आप क्या करोगे? या तो आप कैलकुलेटर उठा लोगे या फिर पेन कॉपी करके उसका परंपरागत तरीके से गुणा करना शुरू करोगे जो हमने विद्यालय में सीखा है। पहले 7 का गुणा 93 में से 9 का गुणा, फिर 93 में से 1 अंक छोड़कर दोनों का जोड़ करना, लेकिन इसमें समय लगेगा। परंतु हमारे पास 2 अंक है, 93 और 97, दोनों दहाई के अंक है और दोनों 100 से छोटे हैं। 97 100 से 3 अंक कम है और 93 7 अंक कम है। 7 और 3 का गुना कर देंगे तो 21 आएगा। इसके बाद 93 में से 3 घटाएंगे तो और 97 में से 7, तो दोनों ही स्थिति में शेष बचा 90। अब 90 को पहले लिखे और 21 को उसके बाद, तो संख्या बनी 9021 यानी 9021, और यही 93 गुणा 97 का उत्तर है। अब इसी प्रकार से 96 और 94 का गुणा करें। 6 गुने 4 24 हुआ, 96 में 6 तथा 94 में से 4 घटाएंगे तो 90 हुआ। गुणफल हुआ 9024 यानी 9024। अब इसी प्रकार से 105 और 108 का गुणा करना है तो क्या करें? अब ये दोनों अंक तो 100 से बड़े हैं ना, परंतु इसका भी एक उपाय है। 105 5 अंक बड़ा है 100 से और 108 8 अंक बड़ा है 100 से। 5 और 8 का गुणा करें तो 40 आएगा। इसके बाद 105 में 8 जोड़ दे और 108 में 5, तो दोनों का परिणाम आएगा 113। 113 और 40 को साथ लिखेंगे तो गुणा का परिणाम आएगा 113 40 यानी कि 11,340। अब कैलकुलेटर से इसको तुलना में ले लीजिए, उत्तर वही मिलेगा। इसी प्रकार से अन्य कठिन गणितीय गणना के लिए भी वैदिक गणित के पास सूत्र, जिसे अंग्रेजी में फॉर्मूला कहते हैं, उपलब्ध है। हमने उदाहरण के लिए केवल अंकों के गुणा को लिया था, लेकिन वैदिक गणित में जोड़ घटाने तथा भाग के लिए भी सूत्र मौजूद है। वैदिक गणित में हर मामले में पश्चिम गणित से श्रेष्ठ है। पश्चिमी गणित या जिसे आधुनिक भाषा में मैथमेटिक्स कहा जाता है, वह अत्यधिक भ्रामक और जटिल है, जबकि वैदिक मैथमेटिक्स
काफी सरल है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काफी उपयोगी भी होता है। योग की तरह ही वैदिक गणित भी हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा का एक आभूषण है। यह हमारे सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा है जिसकी रक्षा करना तथा दुनिया में इसका वैभव फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि योग को भी तब तक बढ़ावा नहीं मिला था जब तक विदेशों में योग को योगा के नाम से प्रचलित नहीं किया गया। हम भारतीयों की समस्या यही है कि हम अपनी परंपरा को तभी महान कहलाना शुरू करते हैं जब पश्चिम में उसकी वाहवाही होती है। तो क्या वैदिक गणित की वाहवाही के लिए हम तभी प्रतीक्षा करें जब उसकी जय जयकार पश्चिम में होगी? यही कारण है कि भारत में विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र गणितीय गणना में प्रतिदिन अपना सर खपाते हैं, लेकिन उन्हें वैदिक गणित के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। वैदिक गणित की जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के समय विद्यार्थियों को होती है, लेकिन तब तक वे किशोरावस्था में पहुंच चुके होते हैं और अपने सीखे हुए तरीकों पर उनको अधिक विश्वास होता है। वैदिक गणित के लिए जो प्रयास हो रहे होते हैं वह भी तभी होते हैं जब वे कोचिंग सेंटर के स्तर तक सीमित रहते हैं। गणित हमारी शिक्षा का सबसे मूलभूत आधार स्तंभ है। गणितीय गणना हमें हर कार्य में एक निश्चित पद्धति तथा एक तय पैटर्न खोजना सिखाती है। यदि हम अपने बच्चों को विद्यालय के स्तर से ही गणितीय घटनाओं की एक अच्छी जानकारी दे तो भारत में सक्षम विद्यार्थियों की एक बड़ी खेप तैयार की जा सकती है। हम एक साथ कई श्रीनिवास रामानुजन पैदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चों के लिए बोझ बनती जा रही पढ़ाई को भी सरल किया जा सकता है। भारत में गणित की शिक्षा तो 3000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और ये बात तो स्वयं वामपंथी इतिहासकारों को भी स्वीकारना पड़ता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तो पूरी तरह से गणित पर ही आधारित था। भारत में गणित की शिक्षा का स्तर इतना उच्च था कि यहीं से आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महर्षि भी पैदा हुए। हालांकि अंग्रेजों द्वारा स्थापित कथित आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने भारतीयों को इन दिनों अक्षम बना दिया है। इसे हमारी वैचारिक परतंत्रता का ही प्रमाण मानना चाहिए कि हम आज भी उसी परंपरा से चिपके हुए हैं जो हमारे लिए अंग्रेज छोड़ गए हैं। आज आवश्यकता है कि गुजरात की भांति अन्य राज्य सरकारें भी आगे आएं और प्राचीन भारतीय परंपराओं और शिक्षा का प्रयोग आधुनिक शिक्षा में करें। सरकार को भी CBSE के माध्यम से वैदिक गणित को पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए एवं उच्चतर शिक्षा में इससे संबंधित अंडर ग्रेजुएशन कोर्स चलाने चाहिए। वैदिक गणित भारत की प्राचीन एवं समृद्धि ज्ञान परंपरा का एक अभिन्न अंग है और ऐसे कई और अमूल रत्न हैं जिनका खोज किया जाना और जिनका रक्षण करना अभी बाकी है।